हेलो कैप्टन हैरिट फैमिली, तो आ चुके हैं अपने और एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। हाँ तो भाई, बताना चाहूँगा BGMI वालों ने 1.6 के कुछ ऑफिशियल साइट पे अपडेट्स लॉन्च किए, वो मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो भाई ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और अच्छा होने वाला है, इसके लिए भाई आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जो भाई BGMI वालों के तरफ से फर्स्ट अपडेट आया है वो है, जो भाई मिरामार मैप खेलते हैं उनके लिए तो खुशखबरी है। तो भाई आ रही है मिरामार में एक व्हीकल, उसका नाम है कॉड बाइक। ये बाइक और ये बाइक काफ़ी अच्छी, आप देख सकते हो भाई, ये कॉड बाइक ये 2 सीटर होने वाला है। ये भाई अपडेट पहले PUBG PC में आया है और ये जल्द से जल्द आएगा अपने BGMI में, 1.6 अपडेट में आने वाला है। तो देख सकते हो ये बाइक कितना अच्छा है, मतलब इसका लाइट को भाई क्या ही लग रही है बाइक के। और भाई मैं इसकी अच्छी बात एक बताना चाहता हूँ कि इसकी हैंडलिंग बहुत ही अच्छी है, मतलब अपनी बाइक जैसी नहीं है, बग्गी जैसी नहीं है भाई, जो किधर भी घूम सकती है ये, मतलब कौन से भी पहाड़ से मतलब आसानी से उतर सकती है। काफ़ी अच्छी बाइक है भाई, मैं बोलना चाहूँगा काफ़ी स्मूथ है। और इसकी स्पीड 125 मीटर मतलब पर आवर होने वाली है, तो भाई काफ़ी अच्छी। और चलते अगले नेक्स्ट अपडेट के पास। तो भाई आने वाला है अपना वीकेंडी 2.0, ये काफ़ी अच्छा अपडेट आने वाला है 1.6 में। ये आने वाला था 1.5 में, पर कुछ डिले हो गया BGMI वालों की तरफ से, PUBG वालों की तरफ से, और कुछ प्रॉब्लम्स के वजह से 1.6 में आ रहा है। 1.5 में आने वाला था बट ये 1.6 में आ रहा है। ओ भाई ये काफ़ी अच्छा तगड़ा अपडेट आने वाला है भाई 1.6 में। भाई वीकेंडी 2.0 पूरा चेंज है, लाइव ट्रेंड्स और बहुत कुछ हमको देखने को मिल सकता है भाई। वीकेंडी मैप गया था क्योंकि भाई वीकेंडी पर मतलब उनका वर्किंग चालू था, मतलब काम चालू था कि वीकेंडी 2.0 आए। और भाई वीकेंडी 2.0 इतना कमाल का अपडेट है ना भाई, क्या ही बोलूँ मैं। तो बढ़ते अगले नेक्स्ट अपडेट के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना भाई। तो बढ़ते अगले वीडियो में। तो भाई नेक्स्ट अपडेट में अपने को मिलने वाली है, मतलब देखने मिलने वाली है वेलकम थीम। BGMI वालों ने खुद 1.6 की वेलकम थीम बनाई है और भाई कुछ ऐसे दिखेगी, मतलब स्ट्रक्चर लोड नहीं है भाई इसलिए ऐसा दिख रहा है। भाई स्ट्रक्चर लोड नहीं है इसलिए ऐसा दिख रहा है, स्ट्रक्चर लोड होता तो अपने को मतलब स्पेसशिप पर सब देखने को मिल सकता था, पर बीटा अपडेट से डाउनलोड करके लिए है भाई, तो स्ट्रक्चर अपडेट नहीं है इसलिए हम ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाएंगे इस वीडियो में। तो बढ़ते हैं अगले वीडियो में, मतलब अगले अपडेट के पास। तो भाई 1.6 अपडेट में अपने को इन गेम स्पेसशिप दिखने वाला है, मतलब अभी जो मोड नए नए आते हैं वैसे स्पेस शिप एक मोड है वो अपना आने वाला है इरेंगल में, और ये भाई इरेंगल में ही होगा स्पेस शिप के ऊपर। तो भाई आपको कुछ नहीं करना है, जाना है और स्पेस शिप के नीचे वो लाइट आती है उसमें खड़े रहना है और उसमें अंदर आने का ऑप्शन मिलता है, उसके बाद अंदर आ जाओगे तो भाई इधर देखने को मिलेगी तगड़ी तगड़ी लूट भाई स्पेस शिप में, मतलब ये हॉट ड्रॉप ही होने वाला है एक तो आपको लूट इधर कचरे माफिक मिलेगा भाई, कचरे की तरह लूट मिलेगा। और भाई बंदों की तो बारिश हो जाएगी भाई, 1.6 अपडेट बहुत मतलब बहुत ही अच्छा होने वाला है। हॉट ड्रॉप वाले बंदों को अच्छा पॉइंट मिला है भाई, बहुत बड़ा एडवांटेज है भाई, मरो या मारो ऐसा हॉट ड्रॉप होने वाला है भाई, बहुत इंटरेस्टिंग अपडेट आने वाला है।
तो भाई बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। तो भाई आने वाला है ऑरेंज मार्क लोकेशन। तो ये भाई काफ़ी हद तक अच्छा अपडेट आने वाला है भाई। मतलब हम अपना प्लेन कहाँ से गया है और बंदे कहाँ पे ड्रॉप हुए, ये सब हम देखने वाले उससे, क्योंकि हम सेफ खेल सकते हैं इससे। आप समझ रहे हो, इससे मतलब ये प्लेन का लाइन जाएगा, उस पर आप मार्क कर सकते हो और देख सकते हो कि प्लेन कहाँ से गया है। तो भाई जो भी रैंक पुशर है उनके लिए बहुत अच्छा एडवांटेज मिला है, क्योंकि वो मार्क लगा के आप देख सकते हो कि बंदे हॉट ड्रॉप पे कहाँ कहाँ उतरे और कहाँ कहाँ, मतलब हम ज़्यादा तो पैराशूट से जाते नहीं, तो भाई आसपास ही उतरते हैं। तो भाई मतलब जिसको भी रैंक पुश करना है उसको उनके लिए तो बहुत बड़ा एडवांटेज है भाई ये। तो भाई ये अपडेट जल्द से जल्द आएगा, इसकी मैं उम्मीद करता हूँ। और इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।